हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नॉर्थ ईस्ट ब्लॉगर्स। हमारे फॉरेस्ट सर्वे वाले वीडियो में हमने आपको कहा था कि पद्मश्री डॉक्टर यादव पाएंग जी से आपको मिलवाने ले चलेंगे, तो आइए आज उनसे मिलने के लिए चलते हैं। आज आधुनिकता के इस दौर में हम लोगों ने पहले तो जंगल काट दिए और उन जंगलों को बचाने के लिए हमने कुछ अलग नहीं किया। प्रकृति का जो सुंदर अनुदान हमें बिन मांगे मिला है उसे भुलाकर जीवश्रेष्ठ होते हुए भी आज हम केवल अपने आप को लेकर व्यस्त हैं। हम में से ज़्यादा लोग अपने घर के बाहर बगीचे बना लेने से ही संतुष्ट हैं। हमारा प्रकृति से प्रेम अब हमारे आंगन तक ही सीमित होकर रह गया है। लेकिन एक इंसान ऐसे भी हैं जिन्होंने ना किसी की राह देखी, ना रिजल्ट का चिंता किया, वे अकेले ही निकल पड़े प्रकृति को बचाने के लिए। जी हाँ, मैं पद्मश्री डॉक्टर यादव पायेंग जी के बारे में ही बात कर रहा हूँ, जिन्होंने 30 साल के लगातार मेहनत से एक बिरान टापू को हरे भरे जंगल में बदल दिया। उनका घर जोरहाट से करीबन 12 किलोमीटर की दूरी पर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है, जो बाईपास होते हुए बालीगांव की ओर से आगे बढ़ते हुए कोकिलामुख के पास ओनामुख नामक एक जगह में है, जहां अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं। ये देख सकते हैं आप कितना सुंदर है यहां का वातावरण, यहां के चारों ओर का दृश्य। उनसे मुझे पहले भी मिलने का मौका मिला है। मैंने एक फ़ोटोग्राफी का किताब लिखा है, द बिगिनर्स डायरी, ए बुक ऑन बेसिक्स ऑफ फ़ोटोग्राफी, जो उनके द्वारा ही इनॉग्रेट किया गया था। तो आज मुझे दोबारा सौभाग्य मिला है उनसे चलकर मिलने के लिए। तो आइए दोस्तों, चलते हैं और उनसे चलकर मिलते हैं। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं उनके घर। आप देख सकते हैं पद्मश्री डॉक्टर यादव पायेंग जी के घर का ये आंगन का रास्ता है, जिसमें से होकर हम उनके घर तक पहुंचेंगे। ये उनका ट्रेडिशनल घर है, जिसके सामने एक लाइब्रेरी बनाई जा रही है। तो आप देख सकते हैं वो घर के सामने दरवाजे पर खड़े हैं। तो आइए उनके घर के अंदर चलते हैं और चलकर उनसे मिलते हैं, उनके जीवन के कुछ अहम पलों के बारे में उनसे बात करते हैं। एक गोटू राती पा साइटा बजा कुमाले ते फर्स्ट काजीरंगा माजुली जोरहाट इटाई किनी माने। तो आइए जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं के जुबानी। तो दोस्तों, आज हम लोग मिलेंगे पद्मश्री डॉक्टर यादव पायेंग जी से। ये विश्व प्रसिद्ध हैं इनके वन और पर्यावरण के चाहत के चलते, और इसी के लिए इनको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया का खिताब मिला है। ये एक बहुत ही गर्व की बात है हम जोरहाट वासियों के लिए, खासकर क्योंकि हम यहाँ जोरहाट में रहते हैं और ये हमारे काफ़ी पास रहते हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा संपद है आज के तारीख में। तो आपको मिलवाने के लिए हम इनके पास आज आए हैं। तो ये हैं पद्मश्री डॉक्टर यादव पायेंग जी। नमस्ते जी। नमस्ते। तो पायेंग जी, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ था और कौन से साल में हुआ था? मैं जन्म कोकिलामुख बरगुप ओनामुख में जन्म हुआ। 1959 31 अक्टूबर में जन्म हुआ। अच्छा, 31 अक्टूबर 1959 में आपका जन्म हुआ। हाँ। तो ये एक्चुअली आप यहीं के रहने वाले हैं ओरिजिनली? हाँ, ओरिजिनली। तो कभी ऐसा था कि हम लोगों को सुनने में आया था कि आप रहने वाले माजुली से हैं, तो इसलिए मैंने पूछा? नहीं 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 नहीं, वो तो यहाँ तो हमारे मेरा जन्म जो है ना, हाँ। गाँव ये बहुत हिस्ट्रिकल है यार। हाँ। इंडिया के अंतिम लड़ाई ब्रिटिशों मानो के मोगर छुट्टी पर 24 फरवरी में नॉर्थ ईस्टर्न जो ब्रिटिश और मानव का लड़ाई हुआ, वही दिन भी यानाबु संधि से वो ब्रिटिश को दिन गया था। अच्छा। इंडिया में 200 साल ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न में 125 ईयर्स करा है। लेकिन मैं बचपन में देखाया वो मेरा गांव के सामने, तो ब्रिटिशों के अधीन जब तो कब्जा कर लिया, ढाका होके कलकत्ता होके
जहाज घाट चलता है कोकिला मुख भोरगुम में। अच्छा वहाँ से यहाँ तक? हाँ यहाँ तक। और आपासम के पहले रेलवे का स्टेशन जेपीआर वहीं था। अच्छा। लेकिन 1976 से आप तो क्या हुआ, इरोजन हुआ। इरोजन हुआ। हाँ, फ्लैट में 10 किलोमीटर ओवर फ्लैट हुआ, इरोजन होके 10 किलोमीटर अब चला गया। मेरे गांव, मेरे जन्म का जो मोगर सूटी और रेलवे का लाइन और जहाज घाट उटू इरोजन में चला गया 10 किलोमीटर। अच्छा, तो ये जान के अच्छा लगा कि आप ओरिजिनली यहीं के रहने वाले हैं। हाँ। खाली ये दुख हमें भी हुआ ये सुनकर कि आपका जो जगह पुराना जगह हुआ करता था वो नदी के बहाव के चलते पानी के साथ दिन निकलते निकलते वो आगे बह गया। हाँ। तो फिर एक और बात आपसे जानना चाहूँगा, वो ये है कि आपको पर्यावरण से ये लगाव कब चालू हुआ और आपने कैसे ये मन पे सोचा कि मैं पेड़ पौधा लगाना चालू करूं और कुछ अन्य हट के करूं कुछ? हाँ। ये कैसा मन? हाँ, ये तो ये हुआ होने से ही, क्या मैं जब तक तो किरुसन होकर चला गया, मेरा उम्र था 8-9 ईयर्स है। आपका उम्र तब? हाँ, तब तक। तब मैं जोरा जसकोट का पेशकार अनिल बरठाकुर दिशो का बामुन गाँव में रेकेट क्लास 3 तक पढ़ा है, 90 नंग बालीगांव प्राथमिक विद्यालय। अच्छा, क्लास 3 तक उस वक्त आप पढ़े थे? हाँ। तो वहाँ नीचे में एक साइंटिस्ट है, उसका नाम डॉक्टर जरूरनाथ बेसपुरा। बचपन से हम लोग को पेड़ रूपने नहीं होगा, पेड़ रूप के प्रतिपालन के बड़ा करने पड़ेगा। पेड़ के ऊपर, जानवर के ऊपर, पंछी के ऊपर प्रैक्टिकल नॉलेज देता है। अच्छा, बचपन से उन्होंने पढ़ाया था? हाँ, और उसका बेटा बेटी मेरे साथ एक ही बेंच में बैठा है। हाँ। वो सिखाया। हाँ। तो वो लोग का गांव में क्या हुआ, पाना पुलिया, हमारे जो तामुल खाया था ना। हाँ। उसका पाना का पेड़ मे को रूपने दे, पाना तो सब हाथ में नहीं होता है। अच्छा। और वो लोग क्या करा है, बैसाख माह में, अप्रैल माह में क्या है, मे को पाना रूपने के दिया था। अच्छा, मतलब हाँ ये बात सही है, पान का जो पेड़ है वो सबके हाथ में उगता नहीं होता, आपको दिया गया था। हाँ, दिया होता। वो दिन में क्या हुआ, एक पाना का पुली रूपने का पेड़ रूपने के लिए क्या हुआ था, 25 पैसा देता, 25 में 1.5 केजी बादाम मिलता है। अच्छा। बादाम से लूप में मेरा बहुत अच्छा लगा है ना बादाम। अच्छा, मतलब आपको ये लोभ आया कि चलो एक पान का पेड़ लगाने से 25 पैसा मिलेगा जिससे आपको 1.5 किलो बादाम मिलेगा। हाँ। तो क्यों ना पान की पेड़ लगाई जाए और बादाम खाया जाए। हाँ, यही कहना चाहिए। तो सब लोग तो बैसाख माह में मेरे को पाना पुली रूपने के देता है। अच्छा। तो एक दिन शांतिशु ने बोला, ऐसा तुम्हारे हाथ देखिए। हाँ। वो शांतिशु ने बोला, तुम्हारा हाथ ऐसे ही अच्छा है, ये काम करो, दूसरा काम मत करो, विश्व में अच्छी आदमी होगा। हाँ। आप ध्यान से कर जाओ, विश्ववासी के लिए अब एक दिन अब अच्छे आदमी होगा, ये आशीर्वाद देता है। आज तक 92 ईयर्स हुआ मेरा फॉरेस्ट में जा रहा है। अच्छा। फॉरेस्ट देखने के लिए अभी तक। अच्छा। विश्व सम्मेलन जब तक होता है, मैं उसके साथ देखे, मैं क्या बोलेगा, जब लेटर देता है ना विश्व सम्मेलन का, वो लेटर देख कर ऐसे ऐसे बात बोलने पर। मतलब अभी आप क्लास 8-9 में जब थे तब से आपने ये काम चालू किया? हाँ, काम चल रहा है। तो तब से आप पेड़ लगा रहे हैं? हाँ। अभी जो जंगल जिसमें आपने पेड़ लगाना चालू किया था 8-9 में, वो अभी कितना बड़ा हो चुका है? अभी 550 हेक्टर है। अच्छा, ग्रीन हो गया, टोटल ग्रीन फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट ग्रीन है। और तो वहाँ का वाइल्ड एनिमल है। अच्छा। डियर है, राइनू है। तो पहले तो ये सूखा था एकदम? सूखा था, सेंट एरिया, बालू था पूरा, बालू। अच्छा, तो आपके कष्ट के अनुसार आपने जिसमें जो पेड़ इसमें लगाए उसके अनुसार आज ये 550 हेक्टर में ये वन बड़ा होके पूरा फॉरेस्ट बन गया है ना? हाँ हाँ। तो ये समय कितना लगा आपको? तो 30 ईयर्स। मतलब 30 साल के कुल समय के अंतराल में आपने ये गजब कर दिखाया। हाँ। तो आपने जहाँ कुछ नहीं था वहाँ पेड़ों को लगाया और वहाँ में एक एक करके लगाने के बाद आज पूरे वन को आपने खड़ा किया। हाँ। तो इसमें मुझे आप एक चीज़ बताइए, जैसे कि आप बता ही रहे थे कि उसमें क्या क्या जानवर अभी आपके यहाँ है? अभी यह रॉयल बंगाल टाइगर है, शताधिक डियर है और राइनू है, एलिफेंट है, जब बच्चा देने के लिए वो लोग आ जाता है ओवर फ्लैट में। अच्छा। तो ये तो बहुत हाईलैंड है काजीरंगा। मतलब तो आपका ये हाईलैंड है? हाँ,
हाईलैंड है क्या है, काजीरंगा तक यहाँ से 60 किलोमीटर, डिब्रू से का 120 किलोमीटर, ये मिडिल पॉइंट है। वो लोग का बहुत उत्साह है तो फॉरेस्ट जो है ना, और वो लोग का ग्रास बहुत ज़्यादा है और तो बिशन भूमि बहुत सुंदर है। इसके लिए जानवर पंछी सब आज था, आज इंडिया से 80% बर्ड चिदर ही मिलता है। अच्छा, और राइनू आ जाता है, अभी तो राइनू है तो काजीरंगा तक माजुली और जोरहाट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट घेर के रखा है। तो आपको सबसे पहली बार स्वीकृति कहाँ से मिली, किसने आपको ये बताया कि ऐसे भी एक व्यक्ति हमारे यहाँ है करके, ये चीज़ आपको स्वीकृति कहाँ से मिली? आसाम के पत्रकार को धन्यवाद देता हूँ, वो लोग पहले 18 किलोमीटर पैदल जाके मैं को उधर फॉरेस्ट में जाके मेरा बातचीत हुआ। अच्छा। मैं तो पहले दिन उसको मैं जो सुना है क्या, मैं जाना है क्या, वो लोग पोसा है, जो दिन आया था 9 का को टाइगर ने मार दिया। अच्छा। और 3 राइनो है, 150 एलिफेंट है, इसके लिए तो पोसार बोलने के लिए वो लोग को मना कर दिया, आप लोग मत जाइए, आप चला जाओ। अच्छा, वो लोग जब पहले आए थे तो आपने सोचा कि शिकारी होंगे, हाँ, इसलिए पोचर सोच के उनको मना किया? हाँ, मना किया था। अच्छा, तो उसके बाद दूसरा दिन माघी का मकर संक्रांति है ना, वो लोग एक दिन आसामीज गामोसा एक दूसरा और 500 पैसा और एक पत्रकार दे के, तो आप बहुत अच्छी काम करे, आपके साथ हम लोग रहता है। लेकिन ही वो आर्टिकल लिखने से भी 2 साल लगा, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ बातचीत हो के वो, ये कब की बातें हैं? और 2012 में। हाँ, ओके। वो लोग जब आर्टिकल लिखा है तब तो आर्टिकल जीतू कलिता लिखा है दैनिक जनम में 2010 में 25 जनवरी। अच्छा, वो तो आर्टिकल जब तेना DY T65 दूरदर्शन और टाइम्स ऑफ इंडिया आ गया। टाइम्स ऑफ इंडिया आने के बाद तब धोती दिवस ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने इनवाइट करके मे को वो फॉरेस्ट के अंदर से लेके वो लोग 3 दिन 3 रात हर पेड़ का ऊपर, हर जानवर के ऊपर, हर पंच के ऊपर अध्ययन करके इंडिया में पहले बार फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया ये सम्मान देता है। अच्छा, नहीं तो आपको मतलब 2012 में ये सम्मान मिला है। अच्छा, टाइम्स ऑफ इंडिया में ये न्यूज़ जिस तरीके से हमारे पत्रकार के सहारे आगे बढ़कर टाइम्स ऑफ इंडिया में निकला। हाँ। और वहाँ निकलने के बाद आपने नेशनल स्वीकृति पाई। हाँ। अच्छा, तो मैं आपको एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि इस पर्टिकुलर जो ये फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के खिताब से आपको नवाजा गया है, इसके अलावा भी आपको क्या क्या और मिला है? तो उसका बात और बोलाया तो स्वर्ण मुखानंद संगीता सभा, APJ अब्दुल कलाम सर का NGO है बॉम्बे में। अच्छा। आ तो मोर में हाथ दे के बोलाया, विश्व से सब अच्छी काम आप करा है, इसके लिए आपको 60 kg डायमंड से 2.5 लाख रुपया चेक देता है, विश्ववासी के लिए कर जाओ, आपका सब जाएगा ना स्कूल इन कॉलेज यूनिवर्सिटी, ये नहीं इंडिया में इन्वाइट करेगा जाने पड़ेगा ऐसे ही नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड जब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी इन्वाइट करेगा जाने पड़ेगा। अच्छा, और फिर एक बार आपको डॉक्टरेट की डिग्री भी दी गई? डॉक्टरेट डिग्री वो तो बाहर देता है, तो उसके बाद गुवाहाटी यूनिवर्सिटी देता है, तब काजीरंगा यूनिवर्सिटी देता है, 2 बार दे डॉक्टरेट डिग्री। डॉक्टरेट डिग्री देने से भी क्या होगा, धोती ही नहीं रहेगा डॉक्टर डिग्री देने से क्या खबर, धरती नहीं रहेगी तो क्या रहेगा। हाँ, क्या रहेगा, सही बात आपने कहा। तो ये पेड़ पौधों का ध्यान हम लोगों को आज भी रखना चाहिए, मानता हूँ ये जो काम आपने किया काफ़ी सराहनीय है, आप एक प्रकार के हमारे लिए बहुत ही महान व्यक्ति हैं इस मामले में, क्योंकि ये काम केवल सराहनीय ही नहीं है, ये काम केवल कोई आदमी करना भी चाहे तो उसके लिए ये एक दिन की बात नहीं है कि हर दिन जाए और बालू में नया पेड़ लगाए और 30 साल तक यही काम को बराबर करता रहे। ये आपने जो किया ये आपका दृढ़ संकल्प और आपका जो मन ही मन कुछ अलग कर दिखाने का जो जज्बा आपके अंदर है ये साफ दिखता है, और बहुत ही अच्छा लगा आपके बारे में ये सब जान के। तो आपको जितना भी अवार्ड वगैरह जो भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में मिला है उसका भी मैं एक बार देखना चाहूँगा, ताकि उस सबको लेके मैं सबको दिखाऊँ, ताकि सब मिल के देख सकें कि आपको पूरे दुनिया भर से क्या क्या मिला है। आइए दोस्तों देखते हैं। ये वो सेट है जो उन्होंने जिक्र किया था, जो उनको कलाम साहब की तरफ से दिया गया था। देख सकते हैं कई ऐसे अनगिनत अवार्ड्स हैं जो काफ़ी अच्छे तरीके से उनके वहाँ रखी गई है। इनके ऊपर आप अगर नज़र दौड़ाते हैं
तो ये सब कुछ एक प्रकार से देखते ही बनता है। और इसको देखने से मन में ये एहसास होता है कि लोगों का प्यार किस तरीके से इनके ऊपर उमड़ पड़ा है, लोग किस तरीके से खुश हैं इनके काम से और किस तरीके से इनको पूरे विश्व में सराहा गया है। आप एक तरफ से देखना चालू करेंगे, आपको एहसास होगा कि विश्व के हर कोने से इन्हें अवार्ड मिला है। हर देश, हर राज्य के कुछ ना कुछ चीज़ें इनके वहाँ मौजूद हैं जो इनको देश विदेशों से मिली है। सचमुच ये एक हमारे लिए गर्व की बात है कि ऐसे एक व्यक्ति आज हमारे बीच मौजूद है जिन्होंने प्रकृति को एक नया स्वरूप दिया है, जिनका हर दिन एक नए सोच से चालू होता है। हर दिन वो कुछ नया करने की सोचते हैं और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए वो हर सुबह निकल पड़ते हैं एक नई मंजिल की ओर। और इसी बीच मैं आपको और एक बात पूछना चाहूँगा कि ये जो फॉरेस्ट आपका है ये यहाँ आपके घर से कितना दूर है? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर। आप कैसे आते जाते हैं? तो मेरा फॉरेस्ट जितने भी उम्र होता है मेरा बोट है, सार पास आदमी जाता है, छूटा है, वो तो 42 ईयर्स हो गया। अच्छा, बचपन से जो फॉरेस्ट स्टार्ट करा है। अच्छा, अभी तक ये बोट लेके मैं रोज दिन अप एंड डाउन। खुद चलाते हैं या साथ? खुद चलाते हैं। खुद चलाते हैं। हाँ। तो ये रोज सुबह कितने बजे जाते हैं? 3 बजे जाते हैं। क्या 3 बजे जाते हैं? 3 बजे जाते हैं इसके लिए जा। तब तो बहुत अंधेरा होता है। अंधेरा होने से भी क्या है, काजीरंगा तक आ जा रहा राइनो 4 बजे उधर पहुँच जाता है। अच्छा, तो इन्फॉर्मेशन को दे, वो तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का आदमी नहीं है, तो इन्फॉर्मेशन काजीरंगा माजुली जोरहाट इन्फॉर्मेशन में दे सकते। आज आ गया ना, सब लोग को इन्फॉर्मेशन देता है, काजीरंगा माजुली जोरहाट से सब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सारी राउंड से घेर के रखा है। अच्छा, ये काम था। तो 2012 जब तक APJ अब्दुल कलाम अवार्ड दिया था, वही दिन 1 अगस्त में एक राइनो उधर मर देता है, मैं बॉम्बे में है। अच्छा, आप बॉम्बे में था तो यहाँ एक राइनो मार दिया था आपके फॉरेस्ट में? फॉरेस्ट में। अच्छा, इसके लिए आजकल क्या करा है, वो लोग का रिसेंटली मीटिंग के टाइम पर, और जब काजीरंगा का आजकल तो ग्रास कम है, वो लोग खाने के लिए यहाँ बहुत ज़्यादा मिलता है, इसके लिए लोग आ जाता है। आप तो काफ़ी पास में रहते हैं, आप हमेशा देखते रहते हैं, राइनो का मेटिंग सीजन क्या रहता है? मेटिंग सीजन का नवंबर दिसंबर जनवरी उस वक्त आ जाता है, आ जाते हैं मेटिंग के लिए। मेटिंग के लिए। अच्छा, इसमें आप मुझे एक चीज़ और बताइए कि ये जो वनों के साथ आपका जो लगाव है, वन और पर्यावरण के साथ जो आपका ये गहरा रिश्ता है, इस रिश्ते के चलते आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा है? तो मेरा जीवन में कोई प्रभाव नहीं है, तो वो लोग का साथ रहता है, वो लोग कोई जानवर कोई सर्प कोई पंछी ने आदमी मारने के नहीं आता है। हाँ। आदमी ने उन लोग को मारने के लिए आता है। अच्छा, हाँ, वो तो सही बात है। हाँ। हाँ। इसके लिए उन लोग के साथ रह के उन लोग का जितने भी ध्यान है, ज्ञान है, वो लेने सही आदमी ने लेने सही। हम लोग तो हम लोग को विश्व से सब पीपुल क्या जीव श्रेष्ठ है, कौन बोला है? सब खा जाता है, सांप बैंग जानवर सनवर सब खा जाता है, आदमी ने खा जाता जीव के श्रेष्ठ होते हुए। हाँ, भी आदमी ये काम करता है, काम करते है, और तो प्रकृति जो ध्वंस आदमी ने करा है वो लोग नहीं करा है। नहीं, सही बात है। तो हाँ, बैलेंस रख के करा है वो लोग। हाँ, वो लोग बैलेंस रख। हाँ, हाँ, मैं देखा है रॉयल बंगाल टाइगर जब बच्चा देता है वो तो फीमेल को ईमेल ने मार देता है, ईमेल को मार देता है, बच्चा को मार देता है। इसके लिए वो जब तक बच्चा देता है आदमी के साथ देकर वो बच्चा देता है।
अच्छा, तो इसमें एक चीज़ और मैं आपको आपसे पूछना चाहूँगा, वो ये है कि आपका, जैसे कि आपने कहा कि आपके जीवन में कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा, तो फैमिली में कोई इफेक्ट नहीं है कि इसके चलते? नहीं नहीं, वो लोग का जो ना मेरा उम्र है ज़्यादा हो गया, 42 ईयर्स में मैं शादी करें। अच्छा, 42 ईयर्स। भाभी जी कहाँ से? भाभी जी उधारी एक टीचर है। अच्छा, वो का बुलाया कि आप फॉरेस्ट बनाने बनाने आपका उम्र ज़्यादा हो गया, शादी पतो। वो लोग का जो है ना वो ये शादी कर दिया था। अच्छा, वो तो आज डाइट हो गया। अच्छा, तो आपके बच्चे अभी? अभी बच्चे एक लड़की है, वो ग्रेजुएशन लिया था DCB कॉलेज से। अच्छा, अभी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर कर रहा है। अच्छा, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर का कोर्स वो कर रही है। अच्छा, कर रहा है। तो और दो लड़का है, ITI में एडमिशन देता है और एक अभी एग्जाम देगा 11। अच्छा, और एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने वन और पर्यावरण के साथ रहते, उसके साथ चलते, पूरे दुनिया में आपने ज्ञान बांटा है, और जहाँ तक मुझे मालूम है आपको दुनिया के हर कोने में बुलाया गया है और ये सिखाने के लिए कि किस तरीके से आपने ये काम किया है। लेकिन मैं आपको पूछना चाहता हूँ वो ये कि इतना जगह घूमने के बाद आपको कभी ऐसा कुछ घटना हुआ आपके साथ जहाँ आपको थोड़ा अजब सा लगा हो? ऐसे बोल के था, 3 दिन के बाद फ्रांस पे इवेंट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस। अच्छा, तो इनवाइट करा है 3 दिन के बाद। तो पासपोर्ट आपने कहाँ से बनवाया? ना, पासपोर्ट तो मेरा नहीं है ना, मैं कैसे जाएगा? तब वो लोग का इवेंट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस से इंडिया गवर्नमेंट को बोला, उसको तो हमारे को जरूरत है, इसके लिए आप लोग पासपोर्ट और वीसा सब करके आप भेजा दो। तब तो जोरहाट प्रशासन ने मेरे को सब ये सब करके दिया, मतलब दिया था। तब तो मैं 2 दिन के आगे कलकत्ता गया था। कलकत्ता जब पासपोर्ट वीसा मिला तो मैं कोई दिन फ्लाइट में नहीं उठा रहा, तो मरेगा कि बसेगा क्या पत्ता है। इसके लिए इंटरनेशनल प्लेन में वाइस बहुत ज़्यादा मिलता, मतलब है। आपको थोड़ा डर लगने लगा फ्लाइट में, कभी नहीं चढ़े थे? नहीं चढ़ा। हाँ, तो डर लगता है तो जब वाइस मिला कलकत्ता से अरब तक, तो 3 बोतल पी लिया वाइन, 3 बोतल पी लिया। हाँ, पी लिया। तो अरब से स्विट्जरलैंड जेनीवा तक 2 बोतल। अरे बाप रे, 5 बोतल पी के फ्रांस सब पहुँच गया। तब जीतू कल का मेरा साथ गया था। अच्छा, उसको बुलाया, देखिए पेड़ ने मेरे को कपड़ा पीना है, पंछी ने 7 समुद्र 3 नदी पार के मेरे को सूर्जा था देश से सूर्जा अंतिम डूब जाने गए, तब मेरे को पहुँच जाता है। लेकिन पेड़ के ऊपर, जानवर के ऊपर, पंछी के ऊपर कितनी जरूरत है कि ये ज्ञान लेने से। अच्छा, तो आपको कभी ऐसा हुआ है कि आपके फॉरेस्ट में आपको रात को भी जाना पड़ा है? हाँ हाँ, रात को भी जाना पड़े। एक और बात मैं जानना चाहता हूँ कि आपको विदेशों में, आप कई जगहों में गए, सबसे अच्छा जगह कौन सा लगा बाहर में? सबसे अच्छे जगह कोई नहीं है, आसाम ही अच्छे है। मतलब आपने जो इतना दुनिया घूमा, आपने इतने जगहों में आप गए, आपको कोई जगह अच्छा नहीं लगा? नहीं लगा, तो आसाम ही अच्छा है। आसाम ही अच्छा है, ऐसा क्यों? ऐसा तो वो जन्म में हम लोग क्या है, बहुत अच्छी काम कर रहे हैं, इसके लिए आसाम में जन्म है। यही ऑल ओवर वर्ल्ड नहीं है तो आसाम जैसे ही है। या बाहरों लोग का जो पाया था पर्यटक, वो लोग कैसी किसके लिए आया था? आसाम में हम लोग का देखने के लिए नहीं आया था। यहाँ का पेड़, यहाँ का जानवर, यहाँ का पंछी परिवार और इतनी सुंदर है, वो तो बाहर से बहुत सुंदर। ये आप सही बात बता रहे हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मेरे कुछ फ्रेंड्स दिल्ली से आए थे, वो जब यहाँ पहुँचे और सुबह बस से उतरे तो उनका कहना एक यही था कि मुझे तो HD TV दिखाई दे रही है। मतलब उनका कहने का माने ये था कि काफ़ी साफ उनको दिख रहा है, और वो इसलिए क्योंकि वो लोग जहाँ रहते हैं, जैसे कि अभी ये साहब जी कह रहे हैं कि वहाँ पर्यावरण का काफ़ी फ़र्क है, वहाँ वायुमंडल में काफ़ी नमी नहीं है, वहाँ सूखा सा वायुमंडल है और बहुत ही गंदा वायु है, जिसके चलते सांस लेने में भी उनको तकलीफ़ होती है, जो हमारे यहाँ ये नहीं है। यहाँ पेड़ पौधा ज़्यादा होने के कारण हमारे यहाँ काफ़ी अच्छा वातावरण है और बहुत ही क्लियर और शांत वातावरण है दूसरे जगहों के मुकाबले, खासकर भारत के। तो एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने जब ये काम चालू किया और
इस फॉरेस्ट को बड़ा होने दिया और ये फॉरेस्ट आज इतना बड़ा हो चुका है कि आप इस फॉरेस्ट के चलते पूरे विश्व में जाने जाते हैं। कभी ऐसा हुआ कि आपको ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ, आपको आपके मन में थोड़ा दर्द हो सकता है, फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप इसका जवाब देना चाहे तो दे सकते हैं। कभी ऐसा हुआ कि आपको अपने हाथों से कोई पेड़ काटना पड़ा हो? नहीं नहीं, मैं पेड़ काटने के लिए मैं जन्म नहीं हुआ। पेड़ देख के, पंछी देख के, जानवर को देख के वो बहुत प्यार है। इसके लिए दूसरा लोग पेड़ प्लांटेशन करा है, वो लोग इकोनॉमिक के लिए, मैं देखने के लिए अच्छे लगा। नहीं मतलब अभी आपने कभी आज तक कोई पेड़ नहीं, 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 नहीं कभी ऐसा हुआ नहीं, नहीं कि इस पेड़ को काट दो तभी आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा तो नहीं हुआ? नहीं नहीं हुआ। तो आपने केवल दिया ही दिया है। और एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने इस फॉरेस्ट को बड़ा करने के लिए कुछ अलग से अभी कुछ नया चालू किया है और अभी भी आप पेड़ लगा रहे हैं? हाँ हाँ, अभी तो 1000 पेड़ लगा रहे हैं और तो 2000 हेक्टर। अच्छा। और नीचे है वो तो एलिफेंट का फूट, मंकी का फूट प्लांटेशन। अच्छा। जब पीपुल और एलिफेंट, मंकी और एलिफेंट का हंगामा कम हो जाता है। अच्छा। तो गाँव में नहीं आया था, उधर ही जाओ खाने वाला चीज उधर ही मिलता है। अच्छा। और 2011 से शुरू हुआ, अभी तो जल्दी जल्दी गिना 2000 हेक्टर है और जल्दी नहीं आता तो 10 ईयर्स लगेगा। तो वहाँ का जितने नेशनल है वो फॉरेस्ट से मिला है तो बाहर से लेने जरूरत नहीं है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि मतलब 2000 हेक्टर आपने जमीन और लिया है जिसमें आप अभी भी प्लांटेशन कर रहे हैं और उसमें बंदर और एलिफेंट का जो खाना है उस तरीके के पेड़ पौधे आप लगा रहे हो ताकि उनको वहाँ सही खाना मिले? हाँ, ये बात बहुत अच्छा आपने कहा क्योंकि इसके चलते एलिफेंट और ह्यूमन का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अंत में आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, नए बच्चे जो बड़े होके आ रहे हैं उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जरूर जरूर। वो लोग के ऊपर धोती के लिए वो लोग बसा सकने पड़े, हम लोग तो काटने वाला मारने वाला है। आगे क्या करा है वो लोग का एजुकेशन सिस्टम चेंज करने पड़ेगा, एनवायरमेंटल साइंस परिवेश विज्ञान एलपी स्कूल में से देने पड़ेगा। जब तक एक लड़का एलपी स्कूल में एडमिशन देगा एक पेड़ रुपएगा, वो प्रैक्टिकली 5 साल में बड़ा करने पड़ेगा। अच्छा। उसका ऑक्सीजन वो लेगा, दूसरा 5 साल और एक पेड़ रुपएगा, वो विश्ववासी को दे, तब साल भर इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड कितनी एडमिशन देता है, 2 साल में कितने हुआ, 3 साल में कितने हुआ, 5 साल में, 10 साल में ऑल ओवर वर्ल्ड गिन, वो लड़का बच्चा सब स्टूडेंट सब वो प्रकृति ध्वंस नहीं करेगा, वो लोग का पेड़ काटने नहीं देगा, पेड़ के ऊपर पंछी बैठेगा मारने नहीं देगा, पेड़ का नीचे जानवर बैठेगा वो लोग मारने नहीं देगा, आदिम युगों से जो संरक्षण कर नहीं पाया वो लोग करेगा। अच्छा, तो आपका कहना मतलब ये है कि बच्चों को छोटे से हम लोग ये चीज़ को सिखाएं ताकि वो लोगों का लगाव इसको इन पेड़ पौधों के साथ छोटा से ही बना रहे और आगे चल के उसी पेड़ पौधे को ये बड़ा करने में हेल्प करें। हाँ। उनके लिए कुछ और अलग सोचा है? हाँ, वो लोग का लिए ऐसे ही सोचा है, आगे तो जो करा ही है, लेकिन एक वो लोग का उम्र ज़्यादा हो गया, वो लोग का आगे क्या है, जन्म का दिन वो केक कटा है, केक के बाद एक प्लांटेशन करने पर पेड़ पर डाल लगना है। अच्छा। और पेड़ जब तक उसका नाम पर एक पेड़ रुपएगा, जब जितनी भी स्टूडेंट को बोल लेगा मतलब वो बुलाएगा जो बुलाएगा वो लोग का एक एक पर्डा दे दीजिए, एक एक गिफ्ट देना है, गिफ्ट देना है, वो तो जल्दी जल्दी ऑल ओवर वर्ल्ड ग्रीन हो जाएगा। अच्छा। तब तो हम लोग तो जिंदे रहेगा, वो लोग जिंदे रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। तो ये इनका जो बात है ये बहुत ही एक सराहनीय बात इन्होंने कहा है, ये एक अजब मुहिम हम इनके बातों को आगे लेकर छेड़ सकते हैं कि जब भी हम कोई जन्मदिन अपने बच्चों का करें, बच्चों को सिखाएं कि वो एक पेड़ लगाए और जो भी इनवाइटी जाते हैं, जो भी बच्चे उनके साथ वाले जो बुलाए जाते हैं, उनको हम लोग एक एक पेड़ का पौधा गिफ्ट करें ताकि वो जाके अपने घर पर ये पौधा लगाए। तो इस तरीके के ये मुहिम जो ये चाहते हैं कि हम छेड़ें, तो ये इसके सहारे बहुत ही जल्द ये पूरा विश्व का जो ग्रीनरी है वो बहुत ही बढ़ जाएगा। ये सचमुच ही बहुत गजब का बात आपने कहा, मैं भी इस बारे में बहुत ध्यान दूंगा, आगे सोचूंगा कि किस तरीके से इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए। तो ये आपका बहुत ही सराहनीय बात है, ये जो सोच आपका है ये बहुत ही सकारात्मक सोच है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे इस वीडियो के सहारे आपका ये सोच मैं लोगों तक भी पहुँचाऊँ और आपसे ये सीख आज मुझे मिली है, अच्छा लगा। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था, मेरी भी 2 बच्चियाँ हैं, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि इनको कुछ ऐसा
सिखाएं कि जो आप कह रहे हो वैसा हो, तो आगे भी मैं सिखाऊंगा ज़रूर। और आगे मैं आप लोगों को भी ये कहना चाहूंगा, इनकी जो बातें हैं उनको थोड़ा ध्यान में रखते हुए अपने बच्चों को भी पेड़ लगाने के बारे में सिखाइए। ये जो कह रहे हैं कि पेड़ों से उनका जीवन खिल उठेगा और प्यार बढ़ेगा, वन और पर्यावरण के साथ उनका लगाव बढ़ेगा, तो ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो आज पद्मश्री डॉक्टर यादव पायेंग जी से मैं मिलने के लिए आया और इनसे मिला, बहुत ही अच्छा लगा। आपसे फिर कभी मिलूंगा और आशा है कि आप दिन प्रतिदिन ये काम आगे भी करते रहें, स्वस्थ रहें और आपसे भी हमें आगे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जरूर जरूर, नमस्ते, धन्यवाद, नमस्ते। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आज हमारे इस वीडियो में जो भी आप में से नए हैं उनसे ये गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहें। धन्यवाद।